Hello, I am Umran Sakya. I will discuss about plant growth hormones. प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, ये इस टाइप एक ये टाइप के हार्मोन्स हो गए, और दूसरे टाइप के होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये हार्मोन्स प्लांट को बढ़ा इंक्रीज करने वाले तीन टाइप्स के होते हैं। ऑक्सिन्स हार्मोन्स होता है। ऑक्सिन्स F.W. बेंट ने दिया था, इसे टिश्यू कल्चर के काम में लेते हैं। और इसके चार टाइप्स होते हैं, इंडेल एसिटिक एसिड, जिसको IA शॉर्ट में बोला जाता है। यह पौधों की वृद्धि, जड़ों की वृद्धि व फूल आने में सहायक तथा बिना पके फलों को गिरने से रोकता है। दूसरा हार्मोन्स इसका इंडेल विट्रिक एसिड, IBA इसको शॉर्ट फॉर्म है। IBA का हम चलो देखते हैं। अब IBA का ट्रेड नेम है रूटेक्स के नाम से मार्केट में मिलता है। मार्केट में रूटेक्स के नाम से मिलता है ये। IBA जड़ विकसित करने का हार्मोन्स है। उसके बाद तीसरा हार्मोन्स देखते हैं। तीसरा हार्मोन्स है NAA। NAA, अब इसके बारे में हम देखते हैं। इसका कॉमर्शियल नेम प्लेनोफिक्स है। इसका ट्रेड नेम जो है वो प्लेनोफिक्स है। भी फूलों के विरलीकरण एवं कच्चे फलों को गिरने से रोकने के लिए मिर्च, टमाटर, नींबू में काम लिया जाता है। NAA फूल व फल से संबंधित हार्मोन्स है। नेक्स्ट हार्मोन्स देखते हैं, फोर्थ 2,4-D। 2,4-D की बात करते हैं हम। यह है 20 PPM से कम सांद्रता पर हार्मोन का कार्य करता है, तथा 20 PPM से अधिक सांद्रता पर खरपतवार नाशी का काम करता है। और 2,4-D 1942 में विश्व में पहला खरपतवार नाशी खोजा गया था। यह पौधों में फलों को लगने व फूलों के वृद्धिकरण के रूप में काम में लाते हैं। हाँ, नंबर दो होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यह केवल नेचुरल अवस्था में पौधों के अंदर ही निर्मित रहता है। इसका मुख्य कार्य कोष का यानी सेल डिवीजन में सहायता करता है। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स की बात करें, इसका प्रयोग फलों के आकार में वृद्धि तथा अंगूर में बीज रहित बनाने में लेते हैं। अंगूर को बीज रहित बनाने में रहते हैं। ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एब्सिसिक एसिड, इसको बोलते हैं ABA। ABA की आप बात देखते हैं, यह है पौधों में सुसुप्ता अवस्था को यानी डोरमेंसी प्रेरित करता है, तथा रंध्र को स्टोमेटा क्लोज करने में सहायक करता है। ये इसे एंटी जिब्रेलिन हार्मोन्स भी कहते हैं। एंटी जिब्रेलिन, जिब्रेलिन यानी कि वृद्धि को बढ़ाता है, ये रोकने का काम कर रहा है, इसलिए एंटी जिब्रेलिन बोला जा रहा है इसको। उसके बाद मैलिक हाइड्राजाइड, मैलिक हाइड्राजाइड जो MH बोला जाता है, यह भी पौधों में ग्रोथ रोकने का हार्मोन्स है। यह मुख्यतः भंडारण में ओनियन के अंकुरण रोकने काम में लेते हैं। इसका कॉमर्शियल नेम यानी ट्रेड नेम स्प्रूट स्टॉप है। इसका ट्रेड नाम स्प्रूट स्टॉप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।